हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष फ्रॉम योनेस एकेडमी। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि पेरिस क्लब क्या है। ठीक है, अब बेसिकली देखिए कि पेरिस क्लब ये जो क्लब ये ग्रुप है, ये ग्रुप क्या काम करता है, कौन सा काम करता है, इसमें कौन से मेंबर्स है, आपको इसके ऊपर डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है और मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैसे महत्वपूर्ण है वो देखते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि अभी कल का ही न्यूज है। अब न्यूज में क्या है कि पेरिस क्लब टू गिव श्रीलंका फाइनेंसिंग अश्योरेंस अमिड IMF डेब्ट टॉक्स। अब आपको पता होगा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, श्रीलंका इज सफरिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इकोनॉमिक क्राइसिस से जो सफर कर रहा है, दैट इज बिकॉज कि उसने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है और वो कर्जे का रिपेमेंट करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। अब कर्जे का तो रिपेमेंट करने के लिए पैसा है ही नहीं है, इवन उसको जो इम्पोर्ट करने के लिए चीजें चाहिए उसके लिए भी उस कंट्री के पास में पैसा नहीं है। और मेजोरिटी ऑफ द जो उसके डेब्ट उसने लिए है वो प्रोमिनेंटली तीन कंट्रीज से लिए है। एक आता है इंडिया, दूसरा आता है चाइना और तीसरा आता है जापान। अब यहाँ पे क्या है कि ये पेरिस क्लब क्या करने वाला है, इट इज टू गिव श्रीलंका फाइनेंसिंग अश्योरेंस अमिड IMF डेब्ट टॉक्स। मतलब फिलहाल अगर बात करें तो कोई भी कंट्री का अगर फॉरेक्स रिजर्व एकदम नील हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में वो कंट्री के पास में आखिरी ऑप्शन रहता है कि दैट कंट्री हैज टू अप्रोच IMF। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में IMF ने तो IMF और श्रीलंका की सरकार के साथ में बातचीत चल रही है लोन को लेके, बट अभी तक फाइनलाइज नहीं हो चुका है। वो फाइनलाइज कब होगा, तो जब ये फाइनेंसिंग अश्योरेंस मिलेगा और वो प्रोमिनेंटली ये जो भी डेब्ट इन्होंने लिया है प्रोमिनेंटली तीन कंट्रीज से, पहला इंडिया, दूसरा चाइना और तीसरा जापान, इन्होंने अगर एक बार फाइनेंशियल अश्योरेंस दे दिया तब जाके IMF क्या करेगा, जो भी कर्जा है वो कर्जा किसको दे देगा, श्रीलंका को दे देगा। तो ऐसे इसके मद्देनजर हमको ये पता होना चाहिए कि पेरिस क्लब क्या है। अब देखिए कि पेरिस क्लब क्या है, इट इज काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल एसोसिएशन। ये इनफॉर्मल एसोसिएशन या कोई फॉर्मल मैकेनिज्म या फिर फॉर्मल ग्रुपिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस रेफर्स टू एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ अ क्रेडिटर नेशन फोकस्ड ऑन डीलिंग विद बोरोअर नेशंस दैट फेस डिफिकल्टी इन पेइंग बैक देयर लोन्स। मतलब जो भी डेप्टर नेशन, मतलब इस केस में डेप्टर कौन है, श्रीलंका है, और क्रेडिटर्स कौन है, क्रेडिटर मतलब इंडिया, चाइना, जापान, दीज आर द क्रेडिटर। तो इनके बीच में अगर डेप्टर नेशन को उसके कैसे पे बैक करना है, उसके पास अगर कर्जा जो उसने लिया है वो उसका रिटर्न बैक करने के लिए फिर पे बैक करने के लिए पैसा नहीं है, तो उसके वर्किंग मैकेनिज्म ढूंढने का काम कौन करता है, ये पेरिस क्लब करता है। द ओरिजिन ऑफ द क्लब इज ट्रेस टू अ मीटिंग दैट हैपेंड इन पेरिस बिटवीन ऑफिशियल फ्रॉम अर्जेंटीना विच हैड ट्रबल पेइंग बैक इट्स डेब्ट विद अ ग्रुप ऑफ लेंडर्स इन 1956। मतलब ये ग्रुप की शुरुआत कब हुई थी, 1956 में हुई थी, जब अर्जेंटीना को भी सेम समस्या का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसका जो भी मीटिंग होता है पेरिस क्लब का, हर महीने मीटिंग इसका फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पे होता है। ठीक है, अब पेरिस क्लब जो मीनिंग है पेरिस क्लब का क्या है, यहाँ पे देखते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में। ग्रुप ऑफ 22 कंट्रीज दे एक्ट एज अ क्रेडिटर। ठीक है, एंड जो भी लोन इन्होंने डेप्टर कंट्रीज को दिया है या फिर जो डेप्टर कंट्रीज ने दूसरे कंट्रीज से लोन दिया है तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन टू डेप्ट इशू। मतलब जो वर्केबल सोल्यूशन क्या रह सकता है इस पे फाइंड आउट करने का काम कौन करते हैं, ये ग्रुप ऑफ 22 कंट्रीज करते हैं, जिसको हम लोग पेरिस क्लब भी कहते हैं। ठीक है, इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप, इट हैज नो ऑफिशियल स्टैट्यूट्स एंड नो फॉर्मल इंसेप्शन डेट। इंसेप्शन डेट कौन सी है, तो जो अर्जेंटीना के लिए जो मीटिंग हुआ था 1956 में, वो दैट इज दैट वी कैन कंसिडर एट एज एन इंसेप्शन डेट। द पेरिस क्लब हैज 22 परमानेंट मेंबर्स, 22 परमानेंट मेंबर है, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन एंड स्कैंडिनेवियन नेशंस, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड जापान, दीज आर द प्रोमिनेंट मेंबर अमंग दिस 22। ठीक है, तो इसके टोटल पेरिस क्लब के मेंबर्स कितने हैं, 22 परमानेंट मेंबर है। द ग्रुप इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द प्रिंसिपल्स दैट ईच डेप्टर नेशन बी ट्रीटेड केस बाय केस विद कंसेंसस, कंडीशनैलिटी, सॉलिडेरिटी एंड कंपेटिबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, कंपेरेबिलिटी ऑफ अ ट्रीटमेंट, तो इस आधार पर क्या किया जाता है, इस आधार पर हर जो भी केस इनके सामने आता है उसको ये लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद पेरिस क्लब क्रेडिटर प्रोवाइड डेब्ट ट्रीटमेंट टू डेप्टर कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ रीस्केड्यूलिंग विच इज डेब्ट रिलीफ बाय पोस्टपोनमेंट और इन द केस ऑफ कंसेशनल रीस्केड्यूलिंग रिडक्शन इन डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग अ डिफाइंड पीरियड जैसा फ्लो ट्रीटमेंट और एज अ सेट डेट। मतलब क्या यहाँ पे क्या किया जाता है, बेसिकली जो भी कंट्री है जिसने कर्जा लिया है उसको क्या किया जाता है, उसका कर्जा रीस्केड्यूल किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग रीस्केड्यूलिंग कहते हैं, विच इज अ डेब्ट रिलीफ बाय पोस्टपोनमेंट और इन द केस ऑफ कंसेशनल रीस्केड्यूलिंग। मतलब थोड़ा कर्जा कम किया जाएगा, रिडक्शन इन डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग अ डिफाइंड पीरियड, जिसको फ्लो ट्रीटमेंट और एज अ सेट डेट भी बोला जाता है। सो प्रोमिनेंटली ये काम कौन करता है, ये काम करता है पेरिस क्लब। ठीक है, उसके बाद कंडीशंस क्या है, द मेन कंडीशन ऑफ अ डेप्टर नेशन हैज टू मीट आर दैट
इट शुड हैव अ डेमोंस्ट्रेटेड नीड फॉर डेब्ट रिलीफ एंड दैट इट शुड बी कमिटेड टू इंप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. मतलब क्या कि इसमें दो कंडीशंस, वो स्पेसिफिक जो भी डेप्टर कंट्री है जिसके ऊपर में कर्जा है और वो कर्जा रिटर्न नहीं दे पा रहा है, ऐसे कंडीशन में उसको दो कंडीशंस फुलफिल करना पड़ता है. पहले तो क्या कि उसको डेप्ट रिलीफ चाहिए, ये इनको दिखाना पड़ेगा, और दूसरी बात उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो खुद के कंट्री में लाना चाहता है, इसकी संभावना या फिर इसकी शाश्वती किसको देनी पड़ेगी, ये पेरिस क्लब को देनी पड़ेगी. इन इफेक्ट दैट मीन्स द कंट्री मस्ट ऑलरेडी हैव अ करंट प्रोग्राम विद द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड सपोर्टेड बाय अ कंडीशनल अरेंजमेंट. मतलब बेसिकली अभी क्या चल रहा है, अभी अगर बात करें तो श्रीलंका सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑलरेडी उनके जो ये है ऑलरेडी उनका करेंसी का जो डिवैल्यूएशन है बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका है एज कम्पेयर टू देयर जीडीपी, इवन बहुत ज्यादा हार्डशिप वहां के लोग सहन कर रहे हैं. तो ऐसे कंडीशन में श्रीलंकन गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अप्रोच्ड आईएमएफ, ठीक है. अब आईएमएफ के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें अभी जो अहम भूमिका कौन निभा सकता है, ये पेरिस क्लब निभा सकता है अगर इसने जो फाइनेंशियल अश्योरेंस है वो अगर अश्योरेंस दिया तो. और उसमें भी प्रोमिनेंटली किसका अश्योरेंस चाहिए, इंडिया चाइना और जापान का. इसमें इसके कुल मिला के 22 मेंबर्स है दोस्तों, तो आप एक बार ये स्क्रीन पर से देख सकते हैं 22 मेंबर्स, ठीक है. उसके बाद आते हैं, अब बेसिकली देखा जाए तो श्रीलंका की कंडीशन के बारे में बात करते हैं. इट इज की स्टेप नीडेड टू अनलॉक अ $2.9 बिलियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बेल आउट पैकेज, ठीक है. मतलब जो इकोनॉमिक क्राइसिस से अभी श्रीलंका गुजर रहा है उसको ओवरकम करने के लिए इसने आईएमएफ के पास में कितना लोन की अपील की है, $2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज आईएमएफ इनको देने वाला है. बट अगेन कंडीशन इज व्हाट कि जो भी कंट्रीज है जिन्होंने इनको कर्जा दिया है उनका पहले क्या मिलना चाहिए, फाइनेंशियल अश्योरेंस मिलना चाहिए. द एशियन आइलैंड नेशन विच इज ग्रैपलिंग विद अ सोरिंग इन्फ्लेशन अ रिसेशन एंड अ करेंसी डेप्रिसिएशन एंटर्ड इनटू अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद द आईएमएफ लास्ट सितंबर, ठीक है. श्रीलंका पब्लिक डेट स्टूड एट 122% ऑफ जीडीपी ऑफ विच 60% इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी. कितना कर्जा लिया है, 122% ऑफ जीडीपी, मतलब बहुत ज्यादा कर्जा ही हो चुका है. और उसमें भी कभी मोर देन आधे से ज्यादा कर्जा किसमें है, फॉरेन करेंसी में है. मतलब अगर वो पेमेंट करना है तो ऑब्वियस बात है फॉरेन करेंसी में उनके पास में पैसा होना चाहिए, ठीक है. अब ऐसे कंडीशन में जो फाइनेंशियल अश्योरेंस रहता है, बट इट नीड्स फाइनेंशियल अश्योरेंस फ्रॉम की बायलैटरल लेंडर्स. उसमें की बायलैटरल लेंडर्स में कौन कौन आता है, इंडिया एक आता है, दूसरा चाइना आता है, तीसरा जापान आता है, बिफोर द फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूव्स द प्रोग्राम. चाइना एंड इंडिया बोथ नॉन पेरिस क्लब मेंबर्स आर अमंग्स द कंट्रीज टॉप बायलैटरल लेंडर. अब इसमें की एक बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इंडिया ने ऑलरेडी ये फाइनेंशियल अश्योरेंस श्रीलंकन पैकेज के लिए बोल दिया कि हाँ भाई हम लोग इसको फाइनेंशियल अश्योरेंस देते करके, बट चाइना की तरफ से अभी तक कोई ऐसा हार्ड एंड प्रूफ स्टेटमेंट नहीं आया. इंडिया प्रीवियसली कमिटेड टू हेल्प ईज द डेब्ट बर्डन ऑफ नेबर श्रीलंका एज पार्ट ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम एंड चाइनाज एक्सिम बैंक ऑफर्ड अ 2-year मोरेटोरियम इन अ लेटर सेंट इन जैन, ठीक है. मतलब क्या कि चाइना की जो एक्जिम बैंक है उसने 2 साल के लिए इनको क्या बोला है कि भाई आप कोई भी जो भी कर्जा आपने लिया है उसका कोई हफ्ता हमें मत दीजिए. बट इंडिया की तरफ से तो क्लियर कट स्टेटमेंट आ गया कि वी वांट टू हेल्प श्रीलंका, तो ऐसे कंडीशन में वी आर रेडी टू गिव फाइनेंशियल अश्योरेंस. बट चाइना की तरफ से ऐसा हार्ड एंड फास्ट स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, और आईएमएफ ने वही बोला है कि भाई जब तक चाइना की तरफ से क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं आता है तब तक हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे. सो गाइज दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो. हमने आज के वीडियो में देखा कि पेरिस क्लब क्या है, श्रीलंका को किस तरीके से पेरिस क्लब मदद कर रहा है, ठीक है. दैट्स ऑल. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू वेरी मच.